रावतभाटा में अणुशक्ति श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं ने आरएपीपी के ठेकेदार द्वारा करीब 60 कर्मचारियों को काम से निकाल दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों को काम पर रखने के एवज में 15 से 20 हज़ार रुपये एकमुश्त और प्रतिमा 1 से 2 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। उन्होंने इसमें आरएपीपी के अधिकारियों की मिलीभगत भी बताई। कई बार शिकायत के बावजूद अब तक ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी व तहसीलदार को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष जोत सिंह सोगरवाल एवं महामंत्री कालूराम गर्ग मौजूद रहे। शनिवार शुक्रवार के दिन एक ठेकेदार ने कम से कम 60 ठेका कर्मचारियों को केवल इसलिए निकाल लिया कि उन्हें 15-15 हज़ार रुपये एक मुश्त नहीं दिए और 1-1 हज़ार रुपये हर महीने देने की इसने जो है मांग की थी। सारे ठेका मजदूरों ने मना कर दिया कि भाई हम लोग ये पैसा नहीं दे सकते। हम मांग करते हैं कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और एनपीसीएल प्रबंधन में भी जो इस चीज़ के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। भारतीय मजदूर संघ इस चीज़ को कदापि सहन नहीं करेगा।